Qawwali is a form of Islamic music originally from the Indian subcontinent and notably popular in Punjab, Hyderabad, Delhi and other parts of India, and it is originally performed in Sufi shrines, Hargahs and Dargahs. ये सूफी कला है जो कव्वाली है, अल्लाह यानी ईश्वर की वंदना की जाती है इस कला के द्वारा। तो अभी जो ये कला है भारत में और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश में इस कला को ज़्यादा तौर पे सूफी श्राइन्स जो होते हैं, दरगाह होते हैं, उसमें किया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। तो इस मामले में जो हमारे सामने जो आज के फनकार हैं, शेख अजीम नाजा, ये 1973 में इनका जन्म मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। ये पैदाइश से ही कव्वाली के शौकीन हैं, इस विद्या में शौकीन हैं। इन्होंने अब्दुल रहमान नाजा, इनके जो उस्ताद हैं, उनसे कव्वाली की तालीम हासिल की। उसके बाद में ये इंटरनेशनल टूर साउथ अफ्रीका में भी कर चुके हैं और हिंदुस्तान के कई जगह इनके बहुत सारे परफॉर्मेंस हो चुके हैं। और इनको अभी ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और अब ये बहुत सारे ऐसे फेमस अपने कव्वाली जो है वो पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल में इनके जो कव्वाल हैं, कव्वाली हैं, इनको याद किया जाता है। ख्वाजा का सिक्का चलता है। आज आज तकदीर बदल जाए, सवर जाएगी। और ख्वाजा मेरे ख्वाजा, और उसके बाद में टीपू की तलवार है, ये तो बहुत फेमस है इनकी। तो ऐसे एक फनकार हमारे सामने मौजूद है, इनकी ये फन की तो हम लोग कंसीडर करते हुए ग्लोबल सूफी फोरम की तरफ से इनको आज मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड 2020 यहाँ पे दिया जा रहा है। बड़ा मेहरबानी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अजीम मौला साहब से कि वो इसे स्वीकार करें। बड़ी मेहनत करते हैं।